का प्रायोजक है कमल गैस एजेंसी अनलिमिटेड सर्विसेज। अब 5700 वाली गैस मात्र 4410 रुपए में फ्री होम डिलीवरी के साथ। संपर्क स्थान प्रधान कार्यालय शांति नगर चौक चकिया पूर्वी चंपारण बिहार। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। पूर्वी चंपारण के चकिया में विश्व हॉट दिवस के अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल के तत्वाधान में एक राष्ट्र एक दिन एक मिलियन डायबिटीज टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को प्राप्ति के लिए रोटरी क्लब चकिया के द्वारा बुधवार को शहर के दो अलग अलग स्थान पर मधुमेह जांच शिविर सुबह से 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 और SRAP महाविद्यालय चकिया के प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसमें कुल 183 लोगों का डायबिटीज मधुमेह का जांच किया गया और जिनका सुगर ज्यादा पाया गया उन्हें उचित परामर्श दिया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन मुकेश शर्मा एवं सचिव रोटेरियन अवधेश कुमार ने बताया कि रोटरी के द्वारा जो है 1,00,000 जो है 1 मिलियन लोगों का जो है कि डायबिटिक टेस्ट का जो है लक्ष्य रखा गया है। उसी के अंतर्गत हमारा रोटरी क्लब चकिया जो है पूरे चकिया शहर में जो है दो जगह जो है कि SRP कॉलेज चकिया में और एक वार्ड नंबर 3 में जो है कि डायबिटिक टेस्ट का जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से खुशी की बात है कि कई सारे लोग जो है हम लोग जो है कि पाने में सफलता रहा हम लोग का, कि कई सारे लोग का जो है कि आज पता चला जो प्री डायबिटिक है और जो है कि या फिर वो बॉर्डर लाइन पे है या फिर किन्हीं का तो रिपोर्ट जो है कि जो अरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। अब उनसे उनको सहायता मिलेगी कि आगे चल करके वो जो है कि अपने को ध्यान दें और अपना जो है कि डायबिटीज का सही ट्रीटमेंट लें और उसको जो है कंट्रोल करें, स्वस्थ रहने की दिशा में उनके हार्ट को स्वस्थ रखने में जो है काफ़ी सफलता मिलेगी। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि शरीर के जितने सारे जो वाइटल्स ऑर्गन है सबको जो है संक्रमण फैलाने का वो काम करता है। इसीलिए जो है रोटरी क्लब जो है भारत के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो है एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आज जो है कि 1 मिलियन का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर जो है कि शिक्षक और शिक्षकतर कर्मचारी जो है उनको भी हम लोग जो है कि आज जो है फ्री हेपेटाइटिस बी का टीका जो है हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं और बीपी चेक हो रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन लेवल का चेकअप हो रहा है और जो है कि थर्मल स्कैनर से जो है टेम्परेचर का चेकअप हो रहा है और बाकी कई तरह की जो है सुविधाएं दी जा रही है, वजन चेक किया जा रहा है और जिससे उनका BMI भी बताया जा रहा है सभी रोगियों का।